Hello friends, my name is Krish Kohli. So welcome back to the my channel, that is Krish Kohli channel. Okay, so आज के न्यू सेशन में मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ और वो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एंटरप्राइज जावा और उसको हम लोग बोलेंगे एडवांस जावा. ओके, सो एक टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा. लाइक इसके पहले हम लोग देखेंगे कि टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे, लाइक ओवरऑल क्या क्या रहेगा ये टॉपिक्स में. तो इसके बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे. ओके, बट उसके पहले मैं आपको कुछ लाइक इम्पोर्टेंट चीजें बता देता हूँ इसके अंदर कि लाइक जावा में जो एंटरप्राइज जावा अगर हम लोग देखने जा रहे हैं, लाइक जो एडवांस जावा है और लाइक एंटरप्राइज जावा में बोल रहा हूँ. लाइक अगर मैं बता दूँ तो लाइक बाकी लोगों को, बहुत से लोगों को आइडिया होता है कि लाइक एंटरप्राइज जावा क्या होता है और लाइक एडवांस जावा क्या होता है. तो आप लोग बोलेंगे अरे सर ये एंटरप्राइज जावा एडवांस जावा बोथ आर सिमिलर और डिफरेंट. तो दोनों भी डिफरेंस नहीं है, तो दोनों भी यहाँ पे सिमिलर है. मीन्स एंटरप्राइज जावा और एडवांस जावा दोनों भी सिमिलर है, मीन्स सेम है. तो दोनों का यूज क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसका यूज बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले वीडियो के पहले. बिकॉज आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका पूरा वीडियो, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपका वीडियो वेस्ट है, लाइक आपका टाइम वेस्ट है. तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए. तो वीडियो देखने से पहले आपको एक मेन चीज बता देता हूँ. तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जावा डेवलपर बनाने के लिए मैं यहाँ पे हेल्प करूंगा. ओके, सो जावा डेवलपर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेबसाइट डेवलप कैसे करते हैं, वो भी एडवांस जावा में और एंटरप्राइज जावा में, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं. ओके, सो आप लोग बोलेंगे आपके पास बहुत सारे वीडियोज रहेगा, लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे इतने सारे वीडियोज होते हैं, उसके थ्रू भी आप डेवलपर बन सकते हैं, जावा डेवलपर बन सकते हैं. तो ये वीडियो की जरूरत क्या है, तो देखो ये वीडियो आपको स्टार्टिंग टू एंड तक देखने हैं और मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ ये अगर वीडियो आप देखोगे तो ये देखने के बाद आप 100% डेवलपर बन जाओगे. ओके, तो लाइक कोई भी लेवल का रहे, लाइक कोई भी एक अगर एक स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो लाइक वो बिगिनर्स लेवल से देख रहे हैं, एक्सपर्ट लेवल पे देख रहे हैं, तो दोनों के लिए इजी लेवल रहेगा. तो ये जो वीडियो का सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूँ, ये बेसिकली किसके लेके आ रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे, शॉर्ट सॉल्यूशंस के बेसिस पे, कि जहाँ पे आपको डिफिकल्ट लगती है. बिकॉज हम लोग जब जावा का नाम देते हैं तो हमें लगता है जावा इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज. ओके, बट वो वैसे डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है. तो वही लैंग्वेज को मैं अभी आपको आपके लिए इजी बनाने जा रहा हूँ. ओके, सो आप लोग जब ये वीडियो देखोगे ना स्टार्टिंग टू एंड में, तभी आपको पता चलेगा कि लाइक आप खुद को जो ऑब्जर्व करो कि जावा कितना इजी लैंग्वेज है और मैं कितने इजी लैंग्वेज से उसको आपको अंडरस्टैंड करवा लेता हूँ. ठीक है, सो आप लोग ये वीडियो जरूर देखना और इसके अंदर जो जो कुछ लाइक मल्टीपल्स वीडियो में बनाने जा रहा हूँ लाइक लिंक वाइज, वो सारे वीडियो देखना और ये सारे वीडियोस देखो. और अगर एक भी वीडियो में अगर एक मिनट का भी और एक सेकंड का भी वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ इसमें से एक सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, मीन्स एक मिनट भी आपका इसमें इसके अंदर वेस्ट जाने वाला नहीं है. सो आपको ये वीडियो जरूर देखना है और ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेबसाइट डेवलपर आपको कैसे बनना है और वो भी जावा में. बिकॉज आप लोगों को सब लोगों को आइडिया होता है कि वेबसाइट डेवलपर बनना है तो हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, लाइक HTML PHP भी यूज कर सकते हैं, .NET भी यूज कर सकते हैं, जावा भी यूज कर सकते हैं. तो लाइक बेसिकली जावा क्यों चाहिए. ओके, सो हम लोग जावा ही देखने वाले हमें और जावा के बेसिस पे हमें वेबसाइट क्यों बनानी है. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अपना कि जावा के बेसिस पे वेबसाइट क्यों रहना चाहिए और ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है. अगर मार्केटिंग लेवल पे या डेवलपमेंट लेवल पे अगर आप देखने जाओगे तो जावा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज. ओके, क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है जावा का. अगर आप वेबसाइट डेवलप करने जाओगे तो वेबसाइट में कैसे एक सिक्योरिटी बेसिस पे पॉइंट होना चाहिए. सिक्योरिटी मीन्स कोई भी डेटा कहाँ से भी एक्सेस होना नहीं चाहिए. जैसे आपने देखा रहेगा कि लाइक हैकर लोग होते हैं कि डेटा हमारा कहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और वही डेटा हम लोग अभी सिक्योर करने जा रहे हैं ये वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, मीन जावा डेवलपमेंट के अंदर. तो आपको क्या करना है, इसके अंदर देखना है कि लाइक वो डेटा को हम लोग कैसे सिक्योर कर लेते हैं, मीन जावा डेवलपमेंट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कैसे प्रूव करना है. आप लोग बोलोगे लाइक जावा इज वेरी लाइक ह्यूज लैंग्वेज, मीन इसके अंदर जो कोडिंग रहेगा बहुत ही ह्यूज रहेगा. ओके, बट यही कोडिंग आप लोग बनाना सीख जाओगे इसके अंदर. ठीक है, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ. ये वीडियो देखो और ये वीडियो देखने के बाद मुझे आप बताओ कि आप अपना कोड लिख पा रहे हो कि, मीन्स आप अपना ओन कोड लिख पा रहे हो कि नहीं. और अगर नहीं लिख पाते हो तो लाइक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. ठीक है, बिकॉज मैं जो अभी से लाइक एक वन बाय वन जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर इतने शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगे और इतने इजी ट्रिक्स रहेंगे कि कोई भी अपने इजी लेवल से उसके अंदर वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं. ठीक है, सो वही चीज मैं अभी इसके अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ. अगर यहाँ पे एक पॉइंट का या एक मिनट का भी अगर टाइम आपका वेस्ट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना और मैं इतना आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी टाइम यहाँ पे वेस्ट होने वाला नहीं है. सो आपका टाइम कैसे सेफ रहेगा, वही टाइम में आपको क्या करने जा रहा हूँ, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का अंडरस्टैंड करने जा रहा हूँ. ओके, सो दोस्तों लोग आपको ये क्या करना पड़ेगा, वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक देखना पड़ेगा. बट अगर ये वीडियो को आप स्किप करोगे और बोलोगे लाइक मुझे सर ये कंसेप्ट नहीं समझा,
तो फिर हम लोग नहीं बोल सकते कि आपको ये समझ जाएगा, लाइक आप लोग डेवलपर बन जाओगे। ठीक है, अगर आप लोगों को डेवलपर बनना है, ये जावा डेवलपर बनना है, तो ये सारे वीडियोज आप देख लो, और वीडियोज देखने के बाद मुझे बताओ कि आप जावा डेवलपर बन रहे कि नहीं, लाइक एज अ बिगिनर लेवल हो या एज अ एक्सपर्ट लेवल पे हो, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, सो चलते हम अपने टॉपिक्स पे, लाइक जो मैंने बोला कि एंटरप्राइज जावा और एडवांस जावा, वो चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली क्या रहेगा, देखो जो एडवांस जावा और एंटरप्राइज जावा मैंने जो बोला कि दोनों भी डिफरेंट नहीं है, मीन्स दोनों लैंग्वेज यहाँ पे सिमिलर है, वही लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। ओके, सो आप लोग बोलेंगे लाइक कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मीन्स लाइक कोई कोई ने देखा रहेगा लाइक कॉलेज में हम लोगों ने एडवांस जावा सीखा है, कोई लोगों ने एंटरप्राइज जावा सीखा है, तो लाइक क्या ये दोनों लैंग्वेज डिफरेंट है? नहीं, ये दोनों भी सिमिलर लैंग्वेज है, लाइक एंटरप्राइज जावा सीखो या तो एडवांस जावा सीखो। सिर्फ अभी के लेवल में अगर देखा जाए तो एडवांस जावा हम लोग क्यों नहीं उसे बोलते, लाइक ये लेवल पे या ये जनरेशन को उसका नाम चेंज हो गया एंटरप्राइज जावा, मीन्स पहले के जनरेशन में इसका नाम होता था एडवांस जावा, बट ये लेवल पे हम लोग उसको स्टडी करते हैं एंटरप्राइज जावा के लेवल से। व्हाई? सो उसके लिए भी आप इसका एक रीजन होता है, बिकॉज एंटरप्राइज मीन्स क्या होता है, लाइक बिजनेस लेवल के एप्लीकेशन जो बनाए जाते हैं उसको एंटरप्राइज बोलते हैं। सो एंटरप्राइज मीन्स क्या होता है, बिजनेस लेवल एप्लीकेशन, तो वो टाइप के अगर आपको एप्लीकेशन बनाने हैं तो इसके अंदर वो टाइप के एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं एंटरप्राइज लेवल के। तो एडवांस जावा के अंदर फिर कौन से टाइप के एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो भी वैसे ही टाइप का होता था, मीन्स वहाँ पे भी वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे थे हम लोग, और यहाँ पे भी आपको वेबसाइट डेवलपमेंट ही सीख रहे हैं, बट ये बेस्ट टू बेस्ट एंटरप्राइज लेवल पे रहेगा। एंटरप्राइज मीन्स लाइक बिजनेस लेवल पे रहेगा, वही लेवल पे हम लोग इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, सो बिजनेस लेवल पे अगर कोई लाइक वेबसाइट आपको बनाना है तो आप कैसे बना पाओगे, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा, कैसे लाइक क्या क्या कंटेंट आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, इंक्लूड क्या क्या ऐड करोगे इसके अंदर। ठीक है, देखो लाइक वेबसाइट बनाना इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है और इतना ईजी भी नहीं होता है, लाइक अगर देखा जाए, अगर आप समझ गए कि कंसेप्ट समझ गए कि कैसे बनाना है, तो इजिली आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हो। बट वही अगर वेबसाइट आपको बनाना है तो ये सारी चीजें पहले आपको सीखनी पड़ेगी। बट अगर देखो यहाँ पे मैं आपके लिए प्रैक्टिकल सेशन भी लेके आया हूँ और लाइक थियरी सेशन भी दे दूंगा। थियरी सेशन में क्या रहेगा, वो कंसेप्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कंसेप्ट आपको डेवलपमेंट के लेवल पे कैसे यूज करना है, और वही कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, वो पहले सेशन लेवल पे मैं आपको पार्ट वाइज वीडियो बनाते जाओगा, और वो वीडियो का आपको क्या करना है, फर्स्ट वीडियो पार्ट में आपका लाइक थ्योरी सेशन रहेगा, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा वो सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और जो पार्ट टू का सेशन रहेगा उसके अंदर मैं प्रैक्टिकल सेशन आपको समझा दूंगा कि लाइक वही जो चीजें मैंने थ्योरिकल बता दिए, वही थ्योरिकल चीजें मुझे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करने हैं। तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के आपके सामने ऑन द स्पॉट आपको दिखा दूंगा कि प्रैक्टिकली कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा रहेगा कि हर एक वीडियो पे होता है कि हर एक वीडियो पे आप सीख जाते हो कि वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे करना है, यहाँ पे भी वही चीज आपको सीखना है, बट ये चीज आप देखोगे ऑन द स्पॉट आपके सामने सामने में आपको प्रूव करके दिखा होगा कि लाइक वेबसाइट को कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक है, बट यही वेबसाइट डेवलप करने के लिए जो एंटरप्राइज जावा बोल रहा हूँ मैं, लाइक एंटरप्राइज जावा इज सिमिलर टू लाइक एडवांस जावा, बट मैं बात करूंगा एंटरप्राइज जावा के बारे में, बिकॉज न्यू जनरेशन में और लाइक अगर न्यू टेक्नोलॉजी में अगर जाओगे, लाइक आईटी इंडस्ट्री में जाओगे अगर आप इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस रहेंगे एंटरप्राइज जावा के लेवल पे। मीन देखो अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको कितना बेनिफिट्स है कि लाइक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी हो जाओगे, इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, मीन देखोगे आप लाइक खुद कोई ऑब्जर्व करो कि हम लोग कितना प्रिपेयर हो गए, कितना हम लोग एक्सपर्ट बन गए। अगर कोई बिगिनर्स लेवल भी रहेगा ना, मीन कोई अगर बिगिनर्स भी है ना, वो खुद को ऑब्जर्व कर पाएगा, अरे देखो लाइक मैं तो बिगिनर्स था बट अभी मैं बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये मैं इसके अंदर प्रूव करके आप लोगों को दिखा दूंगा 100% इसमें मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। सिर्फ आपको ये वीडियो को अवॉइड नहीं करना है, मीन्स अगर आपने इसके अंदर का एक मिनट भी अवॉइड किया देन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, फिर आप बोलोगे लाइक मुझे सर समझा नहीं ये वीडियो। ठीक है, बट अगर इसको समझना है तो आपको स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं है कि लाइक आधा आधा एंड वन घंटे का आपको ये वीडियो देखना है, इतना भी नहीं है। सिमिलरली सिर्फ 10-15 मिनट का लाइक इतना ही वीडियो रहेगा, इतना सिर्फ देखना है, और ये देखने के बाद आप अपना लाइक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो, और आपको आ रहा है कि नहीं वो आपको देखना है, और आता है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि अरे सर मुझे नहीं आ रहा है या मुझे आ गया। ठीक है, अगर आ रहा है तो भी मुझे कमेंट करो, और नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितने इंप्लीमेंटेशन लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो के थ्रू अगर आपको कोई भी हेल्प लगी, हेल्प मीन्स लाइक अगर आगे वाले कोई सेशन चाहिए कि सर मुझे लाइक ये सेशन बनाने के लिए डिफिकल्ट जा रहे, तो वो भी वीडियो में आपको बनाते जाऊंगा, लाइक वो भी आपको इजी लेवल से मैं समझा दूंगा।
ठीक है। सो पहले इसके इसके बाद ये होगा लाइक ये प्रैक्टिकली सेशंस, प्रैक्टिकली मींस लाइक थ्योरेटिकल सेशंस अकॉर्डिंग टू लाइक जावा। ओके सो ये मैंने आपको बताया वीडियो के बारे में। अगर आप वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने के बाद कितना आपको बेनिफिट्स रहेगा अभी मैं बताने जा रहा हूँ। मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, तो अपना जो मेन टॉपिक है एडवांस जावा और एंटरप्राइज जावा, वो टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। ओके सो ये टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले, क्या क्या लर्न करने वाले, उसके बारे में पहले आपको मैं आइडिया देता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग लर्न करेंगे सर्वलेट, सर्वलेट रहेगा अपना, जेएसपी रहेगा, देन सर्वलेट जेएसपी ईजेबी, देन हाइबरनेट स्प्रिंग स्ट्रट्स। देखो ये बहुत सारा आपने बोला रहेगा अरे सर हम लोगों ने तो सर्वलेट जेएसपी सुना है, बट मैंने जो यहाँ पे नाम बताया लाइक हाइबरनेट जेएसपी, तो ये भी एक बहुत एडवांस लैंग्वेज है, मीन्स एडवांस जावा का एडवांस जो पार्ट होता है जिसको फ्रेमवर्क बोला जाता है, वो भी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, वो भी इजी लेवल से। मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा कि वो प्रैक्टिकली सारी चीजें कैसे इंक्लूड किए जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप इजीली सीख जाओगे उसके अंदर। और मैं इतना 100% श्योर हूँ और इतना गारंटी देता हूँ कि आप लोग अगर नहीं सीखे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको कौन सी चीज डिफिकल्ट जा रही है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जाएंगे और सारी चीजें के बारे में देखेंगे कि कैसे इसको इंक्लूड किया जाता है। अगर आप सर्वलेट से कोई टेक्नोलॉजी यूज करे या कोई जेएसपी से टेक्नोलॉजी यूज करोगे, ओके देखो अगर कोई बिगिनर्स लेवल पे हो तो उसको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि अरे सर सर्वलेट क्या होता है, जेएसपी क्या होता है, तो इसके बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके सो नेक्स्ट सेशन में इसका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो जरूर देखना। वो वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि लाइक उसके अंदर आपको सर्वलेट जेएसपी क्या रहेगा और उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, वो भी आपको देखना है प्रैक्टिकली। ओके प्रैक्टिकली भी देखने हैं और ऐसे नहीं रहेगा कि डायरेक्टली प्रैक्टिकली आप देखोगे या आपको जो भी मेरे पास कोड रहेंगे वो डायरेक्टली कोड में रिफर करके दे दूंगा वहाँ पे, नहीं आपको प्रैक्टिकली आपके सामने ऑन द स्पॉट आपको प्रैक्टिकल में प्रूव करके दिखाऊंगा सारे कोडिंग। ओके तो आपको ये जरूर देखना है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेशन मेरा रहेगा सर्वलेट और जीएस के बेसिस पे, तो हम लोग वन बाय वन सेशन वाइज जाएंगे, सर्वलेट देखेंगे उसके अंदर डेटाबेस देखेंगे, जो जो कंसेप्ट होता है वो वन बाय वन कंसेप्ट हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो जरूर तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना है और ये वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन से और वीडियोस को फॉलो करने हैं।